कांग्रेस के नेता कह रहे क्या जरूरत है, तुष्टीकरण की राजनीति तो कर ही रहे थे 24 के लिए, अगर लड़ना है तो उसी राजनीति को आगे लेके जाइए, आपको रोका किसने, उससे भी आप जीत जाएंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। अभी बहुसंख्यक जो हमारी आबादी है उसके सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ गई? रत्नाकर प्रीति जी, देखा आपने पहला सवाल इनसे किया कि आपके आपके वोटरों पे अगर कोई सेंध लगाता है तो आप तिलमिला क्यों, आप मान क्यों रहे हैं कि आप सबसे पहले सुन लीजिए रत्नाकर जी अब सुन लीजिए, अभी आपने मोहर लगा दी आपके वोटर्स, अरे वोटर खुद अपने आप के वोटर्स हैं, ये कौन तय करता है कि उसके वोटर हैं वो उसके वोटर हैं? मैं अभी बात कर रहा हूँ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं शुरू से ही धर्म आधारित राजनीति की है, 80 बनाम 20 की राजनीति की है। तो अगर कांग्रेस पार्टी जो कि शुरू से ही हिंदुओं की बात करती है और हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्पर रहती है और सारी चीजें करती है, क्योंकि हमने इस देश में राज किया और बहुसंख्यक और बहुसंख्यक, अरे आज का 3 उदाहरण में 30 उदाहरण दे दूंगा, आप वही पार्टी है जो लीग के साथ सरकार बनाने, लीग के साथ सरकार बनाने वाली पार्टी है, क्या बात करेंगे ये सावधान बोला, अगर बोलना है तो गलत कर।